निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे कृष्ण, हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को, अपने ही परिजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे यादव, हे कृष्ण, हे माधव, न तो मैं विजय चाहता हूँ न मेरे को कोई राज्य या सुख पाने की अभिलाषा है। हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, हमें ऐसे भोगों से और जीवन से क्या प्रयोजन है। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, जिनके लिए हमें राज्य भोग सुख विलास अभीष्ट है, ये सारे के सारे लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हो गए हैं। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरः पौत्रा श्याला संबंधिस्तथा। सारे के सारे गुरुजन, चाचे, ताऊ, भतीजे, लड़के, दादे, मामे, उसी प्रकार ससुर, पौत्र, साले तथा और भी परिजन, सारे के सारे संबंधी लोग सामने खड़े हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एतान हन्तुमिच्छामि घंतो अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नु मही कृते। हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, अर्थात ये लोग चाहे मुझे मार दें अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, तो सिर्फ पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धात राष्ट्राना का पीर्ति स्या जनार्दना पापमेवा श्रेयदस मानः त्वेतान आतिताइना। हे कृष्ण, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या मिलेगा, हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। इन आतताइयों दुष्टों को मारकर भी हमें तो पाप ही लगेगा। तस्मान आरहा वयम हन्तुम धात राष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। अतः हे कृष्ण, अपने ही भाई बंधु, अपने ही बांधव जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनको मारने के लिए हम में पात्रता नहीं है, हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही परिवार को मारकर कोई कैसे सुखी हो सकता है। कृष्ण, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न गेयम् अस्माभिः पापादिस्मा निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दनः। लोभ से भ्रष्ट हुए, लोभ से मोह में गिरे हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में उत्पन्न पाप को भी नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देखते, तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले, अर्थात हम तो समझ रहे हैं, तो हम जो जानने वाले लोग हैं, हम लोगों को इस दुष्कर्म से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कृष्ण, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कितस्नम अधर्मो अभी भवत्युत्तम। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। अधर्म अभिब वात कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाषणय जायते वा संकरः। हे कृष्ण, हे माधव, पाप के अत्यधिक बढ़ जाने से कुल की और वंश की स्त्रियां
अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वासनीय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। संकरो नरकायैव कुल घनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। और भगवान, जो वर्ण संकर होता है वो कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात इनके पूर्वज श्राद्ध और तर्पण से वंचित हो जाते हैं और पितर भी अधोगति को प्राप्त होने लगते हैं। दोषय रहते कुल घनानाम वर्ण संकर कार कहे उत्स्यादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। और कृष्ण, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन ने भगवान को अपने मंतव्य, अपने विचार किस दिशा में जा रहे हैं ये बताने का प्रयास किया है। अर्जुन ने ये बोला है कि यदि इस युद्ध से कई वीर मरेंगे, कई संबंधी मरेंगे, तो स्त्रियों का शोषण होगा, स्त्रियों को शोषण होने से वर्णसंकर उत्पन्न होगा, वर्णसंकर मान्यताहीन होने के कारण कुलों को अधोगति में ले जाएगा, इनके पितर अधोगति को प्राप्त होंगे और इनके वंश नष्टता को प्राप्त होंगे। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासो भवतीत्य अनु सुश्रुम। हे कृष्ण, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास करना पड़ता है, ऐसा हमने सदा सुना है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। मुझे शोक है, आहा, मैं दुख से ग्रस्त हूँ कि हम अपने आप को विद्वान कहते हुए भी, हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महान पाप करने के लिए कैसे तैयार हो गए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लोभ है। राज्य और सुख के लोभ से परिजनों को मारने के लिए हमारी कैसी तैयारी हो गई है। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धातराष्ट्राणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। अगर शस्त्रहीन व सामना न करने वाले मुझको शस्त्र हाथ में लेकर धृतराष्ट्र के लोग रण में मार डालना चाहें तो मार दें, क्योंकि उनका वह मारना भी मेरे लिए बहुत कल्याणकारक होगा। कृष्ण संजय वाच एव मुक्त्वा अर्जुनः संगख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानसः। संजय इस प्रकार बोलते हैं कि इस प्रकार कुरुभूमि में, कुरुक्षेत्र में शोक से दुखी मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर धनुष व बाण एक तरफ रखकर त्याग कर रथ के पिछले भाग में शांति से बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार बाबा भोलेनाथ की कृपा से और आप सब भक्तों की, शिव भक्तों की प्रेरणा से अध्याय एक संपूर्णता को प्राप्त हुआ। अब हमारा इस समूह पर श्री गीता पाठ अध्ययन रूप में संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय बाबा भोलेनाथ।